Good morning, student. Myself Ravi Singh, your science teacher, again present here to teach you the first chapter of physics, that is motion. So let's continue our topic. Student, पिछले क्लास में अचानक वो डेंसिटी का सर बता रहे थे ना, डेंसिटी का यूनिट बता रहे थे और रिकॉर्डिंग ही स्टॉप हो गया था. एक्चुअली कॉल आ गया था, इसे दिल से डिस्कनेक्ट हो गया था, उसके लिए सीरियली सॉरी. चलिए आज कंटिन्यू करते हैं. फोन को हमने वो फ्लाइट मोड में डाल दिया, किसी का फोन वगैरह नहीं आया. ठीक है, तो देखिए जो बता रहे थे उस दिन, डेंसिटी उससे पहले एक चीज़ और सीख लेते हैं. चलिए, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? तो आपको पता ही होगा क्या होता है, मीटर क्यूब. पता होगा मीटर क्यूब होता है, आप पढ़े हैं ना मीटर क्यूब. तो डेंसिटी बराबर मास वटा वॉल्यूम. क्या होता है? मास वटा वॉल्यूम. तो मास का क्या होगा? के जी. वॉल्यूम का क्या होगा? मीटर क्यूब. तो केजी पर मीटर क्यूब, दिस इज यूनिट ऑफ डेंसिटी. अब ये वॉल्यूम का मीटर क्यूब कैसे आया? तो वॉल्यूम एक क्या है, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. हाइट मान लीजिए वैल्यू दिया है 10 मीटर, 15 मीटर, हाइट का 5 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है दिया हुआ वॉल्यूम. तो इसका जो ये जो न्यूमरल वैल्यू होता है उसको नहीं देखना है, तो 10 15 5 को हटा देंगे. तो बचा क्या ओवरऑल? मीटर मीटर मीटर, तो तीन बार गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब. आपको पता भी होगा मैथ में मीटर क्यूब होता है, तो मास बटा वॉल्यूम के जी पर मीटर क्यूब. एक लास्ट और देते हैं, प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स बाय एरिया होता है, फोर्स बाय एरिया होता है. और फोर्स का यूनिट जो होता है वो न्यूटन होता है. पता नहीं आपको पता है या नहीं है, लेकिन होता क्या है, न्यूटन होता है. ये न्यूटन भी होता है, साथ में इसको निकाला भी जाता है. कि अभी आप बस समझ लीजिए कि क्वेश्चन में मान लीजिए दिया हुआ है आपके न्यूटन, फोर्स का यूनिट क्या दिया हुआ है, न्यूटन. अब बोलेगा प्रेशर का यूनिट निकालिए, तो फोर्स की जगह पे क्या लिख देंगे, न्यूटन. न्यूटन एरिया की जगह पे क्या होगा, एरिया बराबर लेंथ इनटू ब्रेथ, और इसका क्या होता है मीटर स्क्वायर. तो क्या होगा, न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. दिस इज द यूनिट ऑफ फोर्स, सॉरी प्रेशर, या इसी को लिखते हैं पास्कल. और पास्कल क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रेशर के बारे में पास्कल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया, उनके उनके रिस्पेक्ट में हमने क्या रख दिया, पास्कल. जैसे फोर्स के बारे में न्यूटन ने एक्सप्लेन करा था, तो न्यूटन तो फोर्स का यूनिट ही क्या डाल दिए, न्यूटन. न्यूटन डाल दिए. ऐसे इसका दूसरा यूनिट भी होता है फोर्स का, आप निकाल भी सकते हैं. फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन फॉर्मूला, और मास बराबर होता है के जी, और एक्सेलरेशन बराबर फिर फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम. क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम. और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है मीटर पर सेकेंड, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड, और टाइम बराबर क्या होता है, सेकेंड. तो हो जाएगा क्या, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मुझे पता है ये नहीं समझ में आया आप लोगों को, नहीं आया ना, चलिए बताते हैं. मान लीजिए ये पढ़ना है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, ये पढ़ना है, इसी चैप्टर में आगे बताएंगे हम, बस आपको यूनिट के बारे में बता रहे हैं. मास फोर्स बराबर मान लीजिए आपको दिया हुआ है मास इंटू एक्सेलरेशन, क्वेश्चन में गिवन है मास इंटू एक्सेलरेशन, कोई दिक्कत नहीं दिया हुआ है. और मास बराबर तो केजी होता है, ये आपको पता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं. मान लीजिए फॉर्मूला में ही दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है एक्सेलरेशन बराबर होता है वी बाई टी. वी इज व्हाट, वेलोसिटी. टाइम इज क्या, सेकेंड. सेकेंड तो टाइम के जगह पे सेकेंड तो नीचे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं. अब ये जो वेलोसिटी होता क्या है, तो वेलोसिटी और स्पीड बराबर ही होता है. अब क्या अंतर है वो हम आगे बताएंगे, स्केलर वेक्टर का अभी नहीं समझिए, मतलब स्पीड और वेलोसिटी समझिए, दोनों क्या है, सेम ही है. सेम है नहीं रियल में, उसमें अंतर है, बहुत सारे डायरेक्शन का फर्क आता है, लेकिन अभी समझिए स्पीड और वेलोसिटी का दोनों का क्या है, यूनिट सेम ही होता है. तो वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, बिकॉज स्पीड बराबर क्या होता है, मीटर पर सेकेंड. तो एक्सेलरेशन बराबर हम बोले फॉर्मूला दिया रहेगा आपको वी बाई टी, और वेलोसिटी का फॉर्मूला मीटर पर सेकेंड, तो एम बाई एस, और टाइम की जगह पे एक और एस, तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द यूनिट ऑफ अनदर यूनिट ऑफ फोर्स. लेकिन इतना ना करके हम लोग क्या लिखते हैं, न्यूटन, बिकॉज न्यूटन ने एक्सप्लेन करा था फोर्स को, दैट्स वाई द न्यूटन ऑफ सॉरी द फोर्स यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. ठीक है, ये बात है, आपको अगर समझ में नहीं भी आई तो टेंशन नहीं लेना है, पढ़ेंगे बारी बारी से चीज़ों को, तो फिर अपने आप आप लोग निकालते चले जाइएगा. अब डिराइव्ड यूनिट होता क्या है ये समझ में आ गया, तो इतना ही पे आप छोड़ते हैं इसको. ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, यूनिट क्या होता है, ये सब चीज़ हम लोग पढ़ लिए, तो चलिए आगे बढ़ते हैं.
अब आगे है, फिर क्या हुआ? अब देखिए, अब हम फिजिकल क्वांटिटीज को फर्दर दो भागों में बांटते हैं, स्केलर क्वांटिटी, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है? बहुत सिंपल है, क्या होता है स्केलर और क्या होता है वेक्टर। देखिएगा क्या होता है स्केलर। देखिए, फिजिकल क्वांटिटी को फर्दर अब दो भागों में बांटते हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है आपको पहले ही पता है, जिसको मेजर करा जा सकता है, जो फिजिक्स के लॉ को डिस्क्राइब करे उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। अब ये स्केलर और वेक्टर एक नया चीज आया है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में नाइन्थ में बहुत बेसिक चीज जानना है, एलेवेंथ में जब हम हायर क्लासेस में जाएंगे तो इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। स्केलर होता क्या है, होता क्या है, देखिए, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी, एक होता है मैग्नीट्यूड, एक होता है आपको पता होगा मैग्नीट्यूड, और एक होता है डायरेक्शन। डायरेक्शन दो चीजें हैं, एक मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड मतलब सिंपल सा आप समझ लीजिए, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरल वैल्यू, या फिर इसको साइज बोलेंगे या कॉन्स्टेंट बोलेंगे। न्यूमेरल वैल्यू, साइज बोलो, कॉन्स्टेंट बोलो, कुछ भी बोल सकते हैं। दो चीज होता है फिजिकल क्वांटिटी, देखिए, एक पहला तो एक मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड किसको बोलेंगे, न्यूमेरल वैल्यू। जैसे हम बताते हैं क्या, जो पहले भी बताए थे, 5 kg, 5 kg, kg इज व्हाट, यूनिट, 5 इज न्यूमेरल वैल्यू, 5 इज न्यूमेरल वैल्यू। तो ये समझ गए, ये 5 क्या है, न्यूमेरल वैल्यू है, तो 5 को मैग्नीट्यूड कहेंगे, क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड बोलेंगे। कहीं पे लिखा हुआ है 100 meter, 100 meter, व्हाट इज मीटर, आप बताएंगे यूनिट, व्हाट इज 100, दिस इज द न्यूमेरल वैल्यू। क्योंकि हम जानते हैं मेजर करने के लिए दो चीज का जरूरत होती है, एक न्यूमेरल वैल्यू प्लस यूनिट। तो व्हाट इज मीटर, दिस इज द यूनिट, 100 इज न्यूमेरल वैल्यू। तो ऐसे ही न्यूमेरल वैल्यू को क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा 100 मीटर, इसमें बताओ यूनिट कौन सा है, तो क्या बोलेंगे, मीटर। पूछेगा मैग्नीट्यूड क्या है, तो क्या बोलेंगे, 100, क्या बोलेंगे, 100। लिखा हुआ कहीं पे 5000 kg, पूछेगा मैग्नीट्यूड कितना है इसका, तो क्या बोलेंगे, केवल केवल इस न्यूमेरल वैल्यू को लेंगे तो क्या बोलेंगे, 5000। कहीं पे लिखा है, कुछ भी लिखा है, मतलब आप समझिए मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड होता क्या है, होता क्या है, और डायरेक्शन तो आपको पता ही है, 100 meter in north, 100 meter in north, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, वो क्या हो गया डायरेक्शन, डायरेक्शन आपको पता ही है, ठीक है। मैग्नीट्यूड के बारे में जाना था, मैग्नीट्यूड इज नथिंग, क्या है ये, सिर्फ न्यूमेरल वैल्यू है। तो केवल और केवल न्यूमेरल वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं, इसी को साइज, इसी को कॉन्स्टेंट टर्म भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है।